मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहाँ आप क्रिकेट, फुटबॉल और 160+ गेम खेलकर लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हो। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है और साथ ही 24x7 विड्रॉल भी देखने को मिलता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग पिन कमेंट में दिए लिंक से इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के बारे में कि पंजाब टीम की क्या प्लेइंग 11 होगी, फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी केकेआर के खिलाफ। जैसा कि पंजाब टीम का दूसरा मैच है कोलकाता टीम के खिलाफ, ऐसे में पंजाब की टीम अपने बेस्ट से बेस्ट प्लेइंग 11 उतारेगी। तो क्या होगी प्लेइंग 11, कौन से खिलाड़ी को इस प्लेइंग 11 जगह मिलेगी, इसके बारे में आप सभी लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप भी पंजाब टीम के और क्रिकेट के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट आपको देते रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मैच कहाँ खेला जाएगा, क्या पिच कंडीशन रहेंगी। जैसा कि ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम काफ़ी छोटा स्टेडियम माना जाता है, यहाँ पर चेस करने वाली टीम हमेशा जीतती है। ऐसे में आप सभी लोगों को बता दूँ, पंजाब टीम की बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप होने वाली है आईपीएल 2022 में। जैसा कि पहले मैच में आप सभी लोग देख ही लिए होंगे कि पंजाब टीम ने 206 रनों का लक्ष्य काफ़ी आसानी से चेस कर लिया आरसीबी टीम के खिलाफ। ऐसे में ये स्टेडियम पर भी पंजाब की टीम या केकेआर की टीम, दोनों में से कोई भी टीम टॉस जीतती है तो वो पहले गेंदबाजी करेंगे और गेंदबाजी करके वो चेस करना ही पसंद करेंगे। तो पंजाब की टीम की तरफ से हम जाने तो पंजाब टीम की बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रांग होगी इस मैच में। वहीं केकेआर की टीम भी अपनी बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रांग करेगी, क्योंकि गेंदबाजों को शायद ही मदद मिले। अगर कोई अच्छा गेंदबाज रहेगा जैसे कगुसरा वाड़ा इस मैच में वापसी करे तो उनको मदद मिलेगी, क्योंकि उनके पास थोड़ी स्पीड है। इसके अलावा गेंदबाजों को कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है यहाँ पर। तो आप सभी लोगों को बता दूँ, ये मैच काफ़ी मज़ेदार मैच होने वाला है। जहाँ तक दोनों ही टीमों की बात करें, दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रांग है, बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई दिख रही है। और जहाँ तक पंजाब टीम की बात करें तो पंजाब टीम अगर पहली बल्लेबाजी करती है तो 200 रनों का लक्ष्य दे सकती है, 200 रनों के ऊपर का लक्ष्य केकेआर टीम को। वहीं केकेआर की टीम भी ऐसा कर सकती है, हालांकि उनके बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा गिरा हुआ है, क्योंकि वो अपना पिछला मैच हार करा रहे हैं आरसीबी टीम के खिलाफ। उनकी टीम पूरी 128 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। ऐसे में पंजाब टीम के पास एडवांटेज है, अगर वो इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाते तो कहीं ना कहीं पंजाब की टीम कम रनों पर रोक सकती है, अगर केकेआर की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि ये टॉस के ऊपर निर्भर रहेगा, जो भी टीम इस मैच में टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि इस ग्राउंड पर रन चेस करना काफ़ी आसान होता है। और इसके अलावा आईपीएल 2022 में तो हर ग्राउंड पर ओस पड़ रहे हैं, तो ओस का भी एक एडवांटेज मिलता है रन चेस करने वाली टीम को। तो उसके वजह से भी जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी ही करेगी। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं पंजाब टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। जैसा कि पंजाब टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो हमें ओपनिंग पेयर सेम दिखेगा, टॉप ऑर्डर पंजाब टीम का सेम रहेगा। मयंक अग्रवाल के साथ शिखर धवन ओपनिंग करने आएंगे। इसके अलावा तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे भांगराज पक्षा। जहाँ तक धोनी बेस्टो से अपडेट्स आ रही, वो मुंबई पहुँच चुके हैं, पर कहीं ना कहीं वो 3 दिन का क्वारंटीन रहेंगे तो इस मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे, 50-50 चांसेस हैं। पर जहाँ तक अपडेट्स आ रही हैं वहाँ उससे तो यही माना जा रहा है कि धोनी बेस्टो इस मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे, और उपलब्ध रहेंगे तो किस खिलाड़ी की जगह पर आएंगे, क्योंकि भानुराज पक्षा उनके रिप्लेस में खेल रहे हैं, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं थे, उनकी जगह पर उनको खिलाया जा रहा है और वो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी किए थे पहले मैच में, तो शायद ही पंजाब की टीम उनको रिप्लेस करेगी इस मैच में। इसके अलावा चार नंबर की बात करें तो चार नंबर पर हमें लियान लिविंगस्टन खेलते हुए देखेंगे। जैसा कि पंजाब की टीम उनको 5 नंबर पर खिला सकती है, पर उनको काफ़ी बड़े प्राइस में खरीदी है और उनसे चाहती है कि पंजाब की टीम को अच्छा करके दे, तो उनको 4 नंबर पर भेजेगी। 5 नंबर पर हमें शाहरुख खान खेलते हुए देखेंगे एज यूजुअल। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पर ओडेन स्मिथ। इस मैच में हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा, आंड्रे रसल वर्सेस ओडेन स्मिथ। इसके अलावा आप सभी लोगों को बता दूँ, 7 नंबर की जहाँ बात करें वहाँ पर हमें राज अंगद सिंह और पिछले मैच में खेलते हुए दिखे थे, वहाँ पर हमें एक चेंजेस दिख सकता है पंजाब टीम के प्लेइंग 11 में। वहाँ पर ऋषि धवन खेलते हुए हमें दिख सकते हैं इस मैच में। और 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर पर हर्षदीप राज खेले थे, हो सकता है पंजाब की टीम को एक और मौका दे, क्योंकि राहुल चहर लेग स्पिनर है तो उनके साथ एक कोई ऑफ स्पिनर चाहिए, तो वो रोल निभाएंगे हरप्रीत ब्रार। और इसके अलावा 9 नंबर की बात करें तो वहाँ पर हमें राहुल चहर, 10 नंबर पर कगिसुर अबाडा, 11 नंबर पर अर्शदीप सिंह। और इसके अलावा एक और चीज़ आप सभी लोगों को बता दूँ, जैसा कि पंजाब टीम की प्लेइंग 11 राज अंगद सिंह बावर की हम बात कर रहे हैं कि उनको पंजाब की टीम बाहर कर सकती है इस मैच में, पर उनकी जगह कगिसुर अबाडा डायरेक्ट आ जाएंगे और ऋषि धवन को पंजाब की टीम राज अंगद सिंह बावर की जगह पर नहीं लेगी। अब वो क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि संदीप शर्मा पिछले मैच में खेले थे तो हो सकता है उनको एक और मौका दे। अगर वो आते हैं तो हरप्रीत राज 7 नंबर पर आ जाएंगे, 8 नंबर पर कगिसुर अबाडा, 9 नंबर पर आ जाएंगे राहुल चहर, 10 नंबर पर संदीप शर्मा, 11 नंबर पर अर्शदीप सिंह। कुछ इस तरह भी प्लेइंग 11 हो सकती है। हालांकि 6 नंबर तक पूरा सेम रहेगी पंजाब की टीम जो पहले मैच में खेली थी, 6
छः नंबर के बाद हमें अगर एक चेंजेस बस पंजाब टीम को करना है, कगिसरा बाड़ा को प्लेइंग 11 लाना है, वो राज अंगद सिंह बाओ की जगह पर लाए या संदीप शर्मा की जगह पर। राज अंगद सिंह बाओ की जगह पर लाएगी तो प्लेइंग 11 सेम रहेगी, संदीप शर्मा खेलते हुए दिखेंगे, या उनके जगह पर ऋषि धवन आएंगे तो कगिसरा बाड़ा को संदीप शर्मा या हरप्रीत बुमराह की जगह पर पंजाब की टीम ले सकती है अपने टीम में। तो कुछ इस तरह पंजाब टीम की प्लेइंग 11 होने वाली, एक से दो चेंजेस होने वाले हैं इस मैच में। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।